सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अंजू, क्या हुआ है? लड़का खो गया। लाज में फंक्शन थी। हाँ, फंक्शन था तो लाज में। हाँ, उसमें तो खो गया। 8 बजे रात से वहीं से खो गया। वहीं से खो गया। क्या लग रहा है, कुछ पता है? किसी से दुश्मनी है आपकी? अभी तो हमें नहीं कुछ मालूम चल रहा। कहाँ कहाँ ढूंढा? पूरे बांदा में ढूंढ लिया। पुलिस को कोई सूचना दी आप लोग? पुलिस रात में आई थी, अभी तो नहीं आई। सुबह कुछ ढूंढ रही पुलिस की? ऐसे ही मालूम नहीं, हम तो नहीं गए। हमें पुलिस फिर नहीं आई? रात भर रात को आई थी बस। रात को आई थी, अभी नहीं आई, अभी तक नहीं आई। अच्छा, किसी तरह का किसी का फोन होना आया हो, पैसे ऐसी की मांग आंग की? नहीं, हमसे कोई नहीं, पैसे नहीं मांगा कोई नहीं। क्या लगता है आपको, कहाँ गया बच्चा आपका? क्या बताए हमें, क्या अपहरण की शंका है? अपहरण की शंका है क्या? क्या गुस्सा हो के बच्चा गया है? नहीं, वो छोटा है, 11 साल का। क्या लगता है उसमें? एक नगर कोतवाली में फूल कुआं बबेरू रोड के रहने वाले श्री राकेश कुमार हैं। उनका एक 10 वर्षीय बालक जो है, कल एक उन्हीं के मैरिज हॉल में कोई कार्यक्रम था, वहां से वो गायब हो गया है। और ये करीब रात के 9 बजे उनको जानकारी हुई कि उनका लड़का घर पर नहीं पहुंचा। तब से वो अपने सारे रिश्तेदार और जो है गांव में अगल बगल, उन्होंने काफ़ी खोजबीन करने के बाद पुलिस को सूचना दिया। पुलिस भी इस संबंध में जो है आवश्यक छानबीन कर रही है। हाँ, और उनके उनसे एक तहरीर लेकर के उसकी गुमशुदगी दर्ज की जा रही है। और पुलिस इसमें अपने स्रोतों से उसकी छानबीन कर रही है तथा उसके जो फोटोग्राफ वगैरह लेकर के उसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, सोशल मीडिया में भी कराया जा रहा है और पंपलेट छपवा करके वितरित कराया जा रहा है। पुलिस अपना अपने स्तर से पूरी छानबीन कर रही है और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द लड़के की बरामदगी हो जाएगी। किसी गेस्ट हाउस से उसका कोना पाया गया, क्या वहाँ पर CCTV डाले जा रहे हैं? नहीं, जानकारी किया तो वहाँ CCTV पहले लगा हुआ था, लेकिन वो CCTV ख़राब है, इस वजह से कोई फुटेज वगैरह वहाँ नहीं मिल पाया। और उस यहाँ तक ये भी पता, जो कार्यक्रम था उनका, हूँ 24 घंटे, आप जो सहयोग चाहिए जहाँ आप लोग कहेंगे। सर, मैं बात साथ चलने को तैयार हूँ। एक बार सर, ये लड़का बता रहा है कि तहरीर सुबह कोतवाली में दिए हैं। हाँ सर, कोई मैडम बैठी थी बता रहे हैं, लेकिन तहरीर उनको तहरीर दे आए हैं सर। नहीं, ये कल बात नहीं होती साहब। अरे मेरे भाई, हम यहाँ परिवार यहाँ जो है परेशान है और आपको मतलब कोई खबर है भाई? और आपका कोई लिखित नहीं है? मैं बात लगे कर रहा हूँ, मैं बजंगल से नगर से हो गया हुआ। अब मैंने और पूरा परिवार रात से परेशान है, ये चीज को मैं आपके साथ हर साथ लगा हुआ हूँ। आप एक हमारी मदद कीजिए, आपके साथ 24 घंटा लगा रहूँगा, जहाँ आप कहोगे मैं वहाँ चलूँगा। एक तहरीर तो लिख के दीजिए, मुकदमा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।